हेलो एवरीवन, दूसरा वीडियो हम योजना और परियोजना जो राष्ट्रीय स्तर पर पिछले एक वर्षों में चर्चा में रही हैं उनके बारे में देखेंगे। इसमें पहली न्यूज़ जो है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत एक नई केंद्र प्रायोजित परियोजना पीएम श्री स्कूल है। दो प्रकार की योजनाएं होती हैं, एक तो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम और एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं अर्थात सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सॉरी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, इसमें राज्यों की भी भागीदारी रहती है। वहीं जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती हैं सीएसएस, उसमें पूरा पैसा केंद्र का रहता है। तो ये केंद्र प्रायोजित परियोजना है जिसमें राज्यों की भागीदारी रहेगी। इसमें कौन सी योजना है, ये पीएम श्री स्कूल है। पीएम श्री स्कूल का पूरा नाम अगर हम देखें तो पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, उभरते भारत के लिए प्रधानमंत्री पीएम स्कूल। श्रेष्ठ योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है, तो केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू की है। अगर इसका पूरा नाम देखें तो स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया, मतलब जो लक्षित क्षेत्र हैं उनमें जो आवासीय विद्यालय हैं उनके संबंध में है ये। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया कहाँ, लद्दाख के हनले में। डार्क स्काई रिजर्व को किस वन्य जीव अभयारण्य के एक भाग के रूप में स्थापित किया गया, तो चांगथांग सॉरी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में देखें, इसने सफलता के 8 वर्ष पूरे किए हैं। जनधन योजना तीन योजनाएं जय के नाम से जानी जाती हैं, जनधन आधार। तो जनधन योजना के तहत क्या खाता खोले जाते हैं, 0 रुपए अकाउंट बैलेंस पे भी रुपए कार्ड इसका जारी किया जाता है। तो इसके 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। योजना को लॉन्च कब किया गया था, अगर हम देखें तो 28 अगस्त 2014 को योजना को लॉन्च किया गया था। उसके बाद इसने लगभग 40 करोड़ के आसपास इसमें खाते खोले जा चुके हैं। कि हालांकि ये डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा जारी की गई लोगो वासुकी अभियान किससे संबंधित है, तो तटीय सफाई अभियान से संबंधित है। नदियों के सतत विकास के लिए नए मॉडल का नाम क्या है, अर्थगंगा। पदयात्री हुए तो अटल ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है, तो अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। अटल ब्रिज किस नदी पर है, तो साबरमती नदी पर है। साबरमती के किनारे कौन सा शहर स्थित है, यह भी हमें ध्यान रखना है। नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर बना है। नीति आयोग की बहुत सारी पहल हैं जिसमें इनोवेशन के लिए एक अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाती है, तो पहला केंद्र शासित प्रदेश राज्य बना है जम्मू एवं कश्मीर। देश की पहली शिक्षा टाउनशिप का निर्माण किस राज्य में किया गया है, उत्तर प्रदेश में किया गया है। ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो रांची के झारखंड में किया गया है। ग्रामीण उद्यमी परियोजना, जो ग्रामीण उद्यमी परियोजना, इसका उद्देश्य क्या है, जनजाति युवाओं में कौशल विकास एवं उद्यमिता को बढ़ावा। इसके अलावा हम देखें जनजाति क्षेत्र के लिए गोल कार्यक्रम है जो आदिवासियों के लिए संबंधित है, ये फेसबुक की मदद से भारत सरकार चला रही है। इसके अलावा ट्राइफेड नामक एक संस्था है जो जनजातियों का जो फूड प्रोडक्ट है उसको खरीदती है, जो भी वहाँ का जो भी वहाँ की जो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं लकड़ी के उन सबको परचेज भी करती है। इसके अलावा वन अधिकार अधिनियम 2006 चर्चा में रहा था, जो वन उत्पाद होते हैं उन पर जो वन में रहने वाले आदिवासी हैं उनके अधिकार को प्रोत्साहन करता है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। परियोजना का कार्यान्वयन किया कहाँ कहाँ किया जाएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ जो जनजाति जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे इस परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। सौर ऊर्जा नीति 2022 का मसौदा जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। सौर ऊर्जा नीति एक अक्षय ऊर्जा के विभिन्न चरण, अक्षय ऊर्जा के विभिन्न हिस्से हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, इसके अलावा हाइड्रो पावर जो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, इसके अलावा पवन ऊर्जा, इन सबको मिला के भारत सरकार का जो लक्ष्य 450 गीगावाट का 2030 तक उसकी प्राप्ति का एक भाग है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने नीति के रूप में उसे लागू करने का प्रयास किया गया है। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे जो बायोफ्यूल है इसको कम किया जा सके, धुएं को कम किया जा सके तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटा जा सके। इसके संबंध में क्योटो प्रोटोकॉल भी है और हाल में ग्लासगो समिट हुआ था
जिसमें प्रधानमंत्री ने पंचामृत का कॉन्सेप्ट दिया था और अपनी कमिटमेंट भी जाहिर की थी कि 2070 तक जीरो कार्बन हम अपने देश को बनाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। इसके अलावा कितने मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया, 16,000 का निर्धारित किया गया। हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है, गोवा है। हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप है, इन दोनों को मिला भी दिया गया है। हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल तक उपलब्ध कराने कब तक लक्ष्य है, 2024 तक। इसमें नल कनेक्शन के द्वारा प्रत्येक घर में वाटर टैप कनेक्शन को पहुंचाया जाएगा। देश के कितने शहरों में सफाई कार्यों को मशीनीकृत होने की घोषणा की है, 500 शहरों में। किस समयावधि तक सभी भारतीय शहर को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित करने का लक्ष्य है, 2024 तक। नमस्ते परियोजना भी इससे संबंधित है, शहरों में मशीनीकृत सफाई से। अब मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने का उद्देश्य यह है कि जो 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 व्यक्ति हैं, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग जो चर्चा में रहा है, जो मतलब लोगों को नालियों में घुसना पड़ता है, गटर में घुस के साफ सफाई करनी पड़ती है, बहुत सारी जानें जाती हैं, इन सबको कम किया जा सके, इसलिए मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ पे सफाई क्षेत्र में। नमस्ते परियोजना किन मंत्रालयों की संयुक्त परियोजना है, तो एक शहरी आवासन कार्य मंत्रालय की है, दूसरा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। तो दो मंत्रालय की इन्वॉल्वमेंट इसलिए है, तो पहली बात यह सफाई करनी है शहरों में, तो शहरी कार्य मंत्रालय तो अपने आप इसमें आ ही जाता है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का पार्ट ये इसलिए है, जो निम्न जातियाँ होती है, जो शहरों में स्थापित जो शहरों में रहते हैं, जो कि झोपड़ियों में रहते हैं, उनसे लगातार मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम कराया जाता है, मतलब गटर में घुसना, ये सारी साफ सफाई काम उनका होती है। इसमें स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। तो सरकार की पहल है कि जो नमस्ते योजना के माध्यम से क्या करेगी सरकार, साइड मतलब कि दोनों साइड सरकार को फायदा होना है, दोनों साइड फायदा ही फायदा है। एक तो साफ सफाई को साफ सफाई बेहतर होगी, दूसरी है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को भी कम किया जा सकेगा। नमस्ते का पूरा नाम क्या है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइट सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो ऐसा इकोसिस्टम जिसमें मशीन को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला कौन सा है, मंडला मध्य प्रदेश का है, ये बांधवगढ़ के पास है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के पास है, मध्य प्रदेश के दक्षिण और पूर्वी हिस्से में है। स्माइल का पूर्ण रूप क्या है, सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज इंडिविजुअल ऑफ लाइवलीहुड एंटरप्राइजेस, मतलब जो सीमांत क्षेत्र हैं, जो जो मतलब वल्नरेबल सेक्टर है, जो बहुत ही पीछे रह गए हैं, उन व्यक्तियों की आजीविका को बढ़ाना, उनको सपोर्ट करना। स्माइल योजना में किन व्यक्तियों को पुनर्वास संबंधित है, ट्रांसजेंडर से तथा भिक्षावृत्ति में संलग्न से। तो स्माइल योजना संबंध इनसे है। भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए किस उप योजना को लॉन्च, स्माइल 75, यह पहल किस मंत्रालय की है, तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय जो है वंचित वर्ग से संबंधित क्षेत्र में काम करता है, तो जाहिर सी बात है उसी की पहल ही है। किस योजना के तहत श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लस प्लेस का निर्माण किया गया, तो अवसर योजना के अंतर्गत। अवसर योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा अवसर योजना का संचालन किया जाएगा, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो, AVSAR है। इसके अलावा देखिए अवसर का पूरा नाम क्या है, एयरपोर्ट एज अ वेन्यू ऑफ स्किल्ड आर्टिसियन रीजन, मतलब जो भी उस क्षेत्र के जो कलाकार हैं, उन सबका जो वो जो क्रिएटिविटी करते हैं, उसको एयरपोर्ट पे लगाया जाएगा, सीधी सी बात है, और जिससे उनकी आजीविका बढ़ेगी और जो स्थानीय उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी मिली, तो 31 दिसंबर 2024 तक जारी करने के लिए इसकी मंजूरी मिली है, जिसमें विभिन्न राज्यों में अलग अलग पैसे का प्रावधान है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग पैसे का प्रावधान है, और पक्के आवास सभी को प्रदान किए जाएंगे, इस योजना का मुख्यतः उद्देश्य है। भारत की उड़ान पहल किसकी है, ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा गूगल की है। सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई, स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस, स्योर, तो स्योर योजना की शुरुआत की गई है रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, सर्व नामक संस्था के द्वारा की गई है, साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। भारत की सबसे बड़ी
घरेलू सामग्री आवश्यकता आधारित सौर परियोजना कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। इसकी क्षमता 735 मेगावाट है। तो मेगावाट, किलोवाट, मेगावाट, फिर गीगावाट, इस तरह से इसका क्रम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस फ्लोटिंग सोलर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो कायाकुलम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जो केरल में है। केरल में एक झील है प्रमुख, वेम्बनाड झील। इसके अलावा और केरल नौका रेस केरल में होती है। इस परियोजना की क्षमता कितनी है? 92 मेगावाट है। दूसरी सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना कहाँ है? कायाकुलम में। फ्लोटिंग सोलर पार्क के बारे में बता रहा है, जो जिसकी बात अभी की है वही है। बात की सबसे बड़ी कहाँ है फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना, यह है रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट तेलंगाना में। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो 2 जून शायद 2014 में हुआ था, ये तो 2014 श्योर है। इसकी राजधानी हैदराबाद है। वहीं आंध्र प्रदेश जो जिससे यह अलग हुआ, उसकी नवीन राजधानी कावारत्ती है। रामागुंडम फ्लोटिंग जो परियोजना है उसकी क्षमता कितनी है? 100 मेगावाट है। और इसकी हमने देखा देखा है अभी हाल में, 92 मेगावाट। प्रधानमंत्री द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो जालौन उरई तहसील उत्तर प्रदेश में किया गया है, जो झांसी के निकट है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? तो 296.07 किलोमीटर है। कितने जिलों को जोड़ेगा? तो बुंदेलखंड में जो जिले आते हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा को जोड़ेगा। महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण हेतु किस योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए? मिशन शक्ति। एक तो मिशन शक्ति हुआ है, जो जो भारत सरकार ने, इसरो ने चलाया था, जिसमें जो सेटेलाइट को अंतरिक्ष में नष्ट किया गया था, लेकिन ये दूसरा मिशन शक्ति है, यहाँ महिलाओं से संबंधित है। यह दिशा निर्देश किसने जारी किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। मिशन शक्ति योजना हेतु निर्धारित अवधि क्या है? जो 15वें वित्त आयोग की अवधि है 2021-22 से 2025-26 तक, वित्त आयोग का गठन केंद्र व राज्य के मध्य वित्त के बंटवारे हेतु किया जाता है। 15वें वित्त आयोग की चर्चा भी थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसके अध्यक्ष थे एनके सिंह, और जिनकी सिफारिश के अनुसार 41% जो हिस्सा है वो राज्यों को दिया गया है। पिछले जो 14वां वित्त आयोग था उसमें 42% दिया गया था, इस बार 1% लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर यूटी बनाई गई है उसके लिए 1% इसमें कम किया गया है। मिशन शक्ति की दो उपयोजनाएं हैं, संबल व सामर्थ। थर्मल पावर प्लांट में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन का क्या नाम है? समर्थ। नई शिक्षा नीति 2020 को पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कहां पर है? दिल्ली से गुरुग्राम के बीच में। एक्सप्रेसवे को किस नाम से जाना जाता है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 29 किलोमीटर है। वन हेल्थ के प्रायोगिक तौर कहाँ शुरू किए गए हैं? तो बेंगलोर में शुरू किए गए हैं। किस संस्था ने इनकी शुरुआत की है? तो डेरियन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इसकी शुरुआत की है। निर्माण श्रमिकों में कौशल प्रशिक्षण के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया? निर्माण श्रमिकों के लिए तो निपुण का परियोजना का प्रारंभ। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। निपुण को किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है? आवासन एवं शहरी मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है। निपुण को महुआ कि किस मिशन के तहत शुरू किया गया? तो DNULM, दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत, शहरी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत निपुण को शुरू किया गया है। निपुण परियोजना का कार्यान्वयन भागीदार कौन है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC इसका भागीदार है। भारत के पहले 100 MLD क्षमता के सरकारी विलवणीकरण संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात के दाहेज में किया गया है। भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा हेतु किस योजना को मंजूरी मिली है? प्रदान की गई अग्निपथ योजना को, जिसके अंतर्गत 4 वर्षों हेतु सैन्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। इसके तहत जो युवाओं को नौकरी दी जाएगी उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। ड्रोन नीति संबंधी है कि कौन कौन से ड्रोन कहाँ कहाँ उड़ पाएंगे, क्या साइज होगा, किस तरह से लाइसेंस की प्रोसेस होगी, कौन उड़ा पाएगा, इस संबंध में सारी नीति बनाई गई। इसके अलावा इस ड्रोन नीति का क्या नाम होगा? तो हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश से ही नाम होगा उसका। राष्ट्रीय
वायु खेल नीति 2022 का प्रारंभ किसने किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। यह नीति किस वर्ष तक भारत को एयर स्पोर्ट के शीर्ष राष्ट्रों में से एक बनने में दृष्टिकोण पर आधारित है? वर्ष 2030 तक। इसके अलावा हम देखें, देश की मुफ्त टेलीमेडिसिन सेवा को एबीडीएम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत करने की घोषणा की गई है ई संजीवनी के तहत। जैव विविधता के संरक्षण एवं उद्धार हेतु किसने नवीनीकृत जैव विविधता नीति जारी की गई है? तो एनटीपीसी लिमिटेड ने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने जारी की है। जैव विविधता नीति जारी करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उपक्रम है एनटीपीसी। भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ है? तो जैसलमेर में है, राजस्थान में। इसकी क्षमता 390 मेगावाट है। इस संयंत्र को किसने स्थापित किया? तो अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड ने इसको स्थापित किया। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? घट्टी कठुआ जिला जम्मू कश्मीर में भारत के पहले औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन हुआ है। इसका उद्घाटन भारत सरकार किस मंत्रालय ने किया? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन इफको ने कलोल गुजरात में किया है। नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन। तरल किसने सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2014 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत किस परियोजना में अपनी पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन प्राप्त हुई है? तो दिल्ली मेरठ परियोजना में। हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन किसके द्वारा विकसित की गई है? एल्स्टॉम द्वारा। यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन क्षेत्रीय ट्रेन अधिकतम कितनी गति से चल सकती है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। हाल ही में 10 गीगावाट संचयी सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। विश्व की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना का शुभारंभ किस देश ने किया? तो भारत ने किया है। इस परियोजना का शुभारंभ किस मिशन के अंतर्गत किया गया है? तो राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के अंतर्गत इसका शुभारंभ किया गया है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? छत्तीसगढ़ बना है, जो पुरानी पेंशन को बहाल करेगा। पुरानी पेंशन योजना कब से प्रभावी होगी? तो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह नीति मध्य प्रदेश के स्टार्टअप कॉन्क्लेव के दौरान लॉन्च की गई, जिसका आयोजन किया गया है। इसके अलावा कौन सा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बना है? तो सांबा जम्मू कश्मीर पहला जिला बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पल्लीगांव जम्मू कश्मीर में किया गया है। इस उद्घाटन के साथ भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी है? पल्ली जम्मू कश्मीर। कार्बन न्यूट्रल पंचायत है कि जो कार्बन उत्सर्जित हो रहा है वो उसी क्षेत्र में, जो वहाँ का वन संसाधन है जो भी है वहीं ऑब्जर्व हो रहा है, बाहर के जो क्लाइमेट है इसमें इसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता है? तो प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया। तो उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, जिसका उद्देश्य यह है कि आम आदमी भी है वो फ्लाइट का सफर तय कर सके, इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी। आगे चल के उड़ान 2.0 भी इसे शुरू किया गया, तो इसे प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। यह योजना किस मंत्रालय की? तो नागरिक मुद्दे मंत्रालय की है। किस श्रेणी में दिया गया? तो नवाचार श्रेणी में दिया गया। प्रधानमंत्री ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ रखी? गुजरात में रखी। स्माइल योजना के बारे में से थोड़ा डिटेल से दिया गया है, जो मार्जिनल सेक्टर के लिए, मार्जिनाइज इंडिविजुअल के लिए है। इसका बजट 365 करोड़ है। इसके तहत उप योजना ट्रांसजेंडर के लिए और भिक्षुओं के लिए है। ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति हैं LGBT, उसमें क्या है
व्यक्तियों कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास केंद्रीय योजना है, भिक्षुओं के व्यापक पुनर्वास दोनों के लिए, लाभान्वित समुदाय, ट्रांसजेंडर समुदाय तथा तो भिक्षु। पर्वतमाला परियोजना की शुरुआत बजट 2022-23 में की गई। इसे लोक निजी भागीदारी के आधार पर किस कार्यक्रम के तहत शुरू किया जाएगा? तो राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। वर्तमान में इस परियोजना किस क्षेत्र में शुरू किया जाएगा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्य में। भारत की सुरंग को विश्व की सबसे लंबी सुरंग का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो अटल टनल को 9 फरवरी 2022 को। यह टनल समुद्र से कितने फीट की ऊंचाई पर स्थित है? 10,000 फीट की ऊंचाई पर। रोहतांग दर्रे से गुजरती है। 7 गांवों में सांसद आदर्श गांव योजना के तहत चयनित शीर्ष 10 गांवों में स्थान प्राप्त किया तेलंगाना के। किस राज्य के? तेलंगाना के। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया किस सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है? सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की है। यह मिशन देश के 33 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कितने जिलों में चलेगा? तो 416 जिलों में। जो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की कब की गई थी? 25 दिसंबर 2014 को टीकाकरण संबंध में इसकी शुरुआत की गई थी। श्री संत रामानुजनचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? स्थापना कहाँ की गई है? हैदराबाद में। इस प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। यह प्रतिमा किससे निर्मित है? पंच धातु से निर्मित है। स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता का समायोजन है इसमें। बैठी हुई प्रतिमा है ये, जो ग्रेटर बुद्धा विश्व की सबसे ऊंची जो बैठी हुई प्रतिमा, उसके बाद दूसरे स्थान पर है। केसर बाउल, सेफ्रॉन बाउल परियोजना मेघालय के अलावा किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस धाम को तीर्थ यात्रा, कायाकल्प, आध्यात्मिक विरासत प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो पुनौरा धाम को शुरू किया गया बिहार का। किस मंत्रालय द्वारा शामिल? तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा। प्रसाद योजना वर्ष 2014-15 में शुरू की गई थी, तो तीर्थ यात्रा संबंधित थी। हाल ही में नीति आयोग ने किस पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिका अभिकरण USAID के साथ एक नई साझेदारी प्रारंभ की है? तो सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी इन हेल्थ केयर। मतलब मार्केट का संसाधनों तक पहुंच हो, जिससे जो स्वास्थ्य क्षेत्र में जो क्रिएटिविटी, इनोवेशन है, नवाचार है, तो खोज इसको बढ़ावा मिल सके। किस राज्य ने उसकी पहली पवन सौर हाइब्रिड परियोजना शुरुआत की गई है? गुजरात द्वारा। यह परियोजना किसके द्वारा विकसित है? रिन्यू ग्रीन सॉल्यूशन द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा दवाओं की होम डिलीवरी के लिए योजना शुरू की गई है? केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा। इसके द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? सेहत योजना का पूरा नाम क्या है? सर्विसेस ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन। आदि बद्री बांध कहाँ है? तो यमुनानगर में, हरियाणा में है। आदि बद्री बांध निर्माण हेतु किन दो राज्यों में समझौता? हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश में। तमिलनाडु प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु किसका उद्घाटन किया है? 11 नए मेडिकल कॉलेज, 2 CICT का नया परिसर। CICT का पूरा नाम केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान। देश के पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कोप्पल टॉय क्लस्टर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? कर्नाटक में। जल मेट्रो परियोजना पर भारत का पहला शहर कोच्चि केरल में है। महाकाली नदी पर पुल निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो नेपाल के साथ किया है। कौन सा धारचूला में निर्माण होगा? महाकाली नदी को किस नाम से जाना जाता है? काली एवं शारदा के नाम से जाना जाता है। किस राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया है? SSIP गुजरात ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर बने स्टील ब्रिज का उद्घाटन किया? बराक नदी पर बने स्टील ब्रिज का उद्घाटन किया। यह किसके बीच यातायात को आसान करेगा? सिलचर और इम्फाल, मणिपुर के बीच जो है, इसको यातायात को आसान करेगा। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने देश के छात्रों के लिए किस एकल मंच का अनावरण किया है? तो NEET नीट 3.0 का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान प्रदान करना। NEET का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। वर्तमान में निर्माणाधीन सेला सुरंग के माध्यम से किन दो स्थानों के मध्य संपर्क सुनिश्चित होगा? असम गुवाहाटी व तवांग अरुणाचल प्रदेश। सेला सुरंग पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन है, तो डिजिटल सेवा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है?
उड़ीसा। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की किस मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया? कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित 356 किलोमीटर बिना पन की मल्टी प्रोडक्ट परियोजना की क्षमता कितनी है? 34,50,000 मीट्रिक टन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन शिलान्यास किया है? मंडी में। यह जल विद्युत परियोजना कौन सी है? रेणुका जी बांध परियोजना, लोहरी चरण, धौला सिद्ध, सावरा कुड्डू। 111 मेगावाट की सावरा कुड्डू परियोजना प्रतिवर्ष कितनी यूनिट बिजली का उत्पादन होगा? 380 मिलियन से अधिक। रेणुका जी बांध परियोजना का निर्माण लागत कितनी है? लगभग 7,000 करोड़ रुपए। यह दिल्ली को कितने क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति करेगी? प्रतिवर्ष 500 मिलियन क्यूबिट वाटर। 210 मेगावाट का लोहरी चरण वन परियोजना कितनी यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा? 750 मिलियन। 66 मेगावाट की धौला सिद्ध परियोजना की लागत है 680 करोड़ रुपए। धौला सिद्ध में प्रतिवर्ष 300 मिलियन से अधिक यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। इसके अलावा लास्ट पेज में चलते हैं, योजना परियोजना संबंधित था। एकल ईंधन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? सिमहाद्री आंध्र प्रदेश शुरुआत की गई। इस परियोजना का प्रारंभ किया गया था एनटीपीसी के द्वारा। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी? 16 अहमदाबाद। माँ उमिया किस संप्रदाय की अधिष्ठात्री देवी हैं? कदवा पाटीदार। किस राज्य ने माओवादी प्रभावित जिलों में सहाय योजना शुरू की गई? झारखंड ने। स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड हार्नेसिंग एस्पायरेशन ऑफ यूथ। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन बलरामपुर उत्तर प्रदेश में किया गया है। परियोजना किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। 9 जिलों की कितनी नदियों को जोड़ता है? 5 नदियों को, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा तथा रोहिणी। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला कहाँ रखी? शाहजहांपुरा उत्तर प्रदेश में रखी। एक्सप्रेस वे कितने जिलों से होकर गुजरेगा? 12 जिलों से होके। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुरा, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ व प्रयागराज। एक्सप्रेस वे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ की? शाहजहांपुर में। गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? लगभग 594 किलोमीटर। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया जाएगा कब? 13 दिसंबर 2021 को। लोकार्पण किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वर्तमान में काशी विश्वनाथ धाम का कुल क्षेत्रफल कितना है? लगभग 5 लाख वर्ग फीट। शहरी नदियों के सतत प्रबंधन के लिए रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया जल शक्ति मंत्रालय ने। रिवर सिटीज अलायंस का सचिवालय राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान में है। ऊर्जा साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित है भादला राजस्थान में। भादला सोलर पार्क 14,000 एकड़ में स्थित है। 2,250 मेगावाट उसकी क्षमता है। प्रधानमंत्री भारत ने में स्वास्थ्य देखभाल और संरचना को सुदृढ़ करने संबंधी देश की सबसे बड़ी परियोजना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन को शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य संरचना मिशन के तहत स्थापित की जाने वाली संस्थाओं में शामिल है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ। 13 अक्टूबर 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए जिस राष्ट्रीय प्लान का शुभारंभ किया पीएम गतिशक्ति है। पीएम गतिशक्ति जिन 6 स्तंभों पर है वो क्या क्या है? व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, अधिकतम उपयोग, सामंजस्यकरण, विश्लेषणात्मक गतिशीलता। पीएम गति शक्ति का मिशन ये है, मेनली ये है कि जो योजनाओं में ओवरलैपिंग खर्चा, जैसे मान के चले उदाहरण के लिए देखा जाए, अगर आप देखते होंगे कि कभी कोई नाली बन रही है उसमें सड़क में एक बार खुदाई हुई, नाली बनी, उसके बाद दोबारा खुदाई हुई, फिर कोई पाइप डाली, फिर उसके बाद खुदाई होती है, तो लगातार कुछ ना कुछ काम चलता रहता है और ये काम हमेशा लगा ही रहता है। इससे क्या होता है कि जो असंरचनात्मक खर्चा का जो बोझ है वो लगातार बढ़ता जाता है। पीएम उस संबंध में पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत गठित सचिवों की प्राप्त समूह के अध्यक्ष कैबिनेट सचिव हैं। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत निवेश की जाने वाली राशि 100 लाख करोड़ है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता 87.7 मेगावाट से बढ़ाकर 225 मेगावाट कर दी गई है। इसके अलावा कुछ और करंट अफेयर रह गए हैं तो उसको हम फिर
चार से करंट अफेयर, उसको हम अगली पार्ट के साथ देख लेंगे।